सो वेलकम गाइस, रामजीवा कोर को अभियान के दौरान हमारे एक मित्र बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो चुका है, जिसको मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं परतवाड़ा, जो कि अचानक ही उनके गाड़ी के सामने जंगली जानवर आ गया और गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम पहुंच रहे हैं परतवाड़ा और बहुत जल्दी हम उनसे मुलाकात कराएंगे। ना थके हैं, ना रुके हैं, ना रुकेंगे, नामकरण रामजीवा कोर को करा के रहेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो इन वादियों में किस प्रकार से हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इधर का पूरा मौसम और खतरनाक ही तरीके से हम जा रहे हैं रामजीवा कोरकू को सफल बनाने वाले वरिष्ठ नागरिक, हमारे वरिष्ठ प्रेरणा स्रोत, जो कि है यो बहुत ही खतरनाक हमारे भाई सरयाम दादा की मरने वाली है। और हम जा रहे हैं रामजीवा कोरकू अभियान के वरिष्ठ नागरिक से मिलने, जिनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पर कितनी हरियाली है और लोग किस प्रकार से गाड़ी चला रहे हैं और किन किन की याद आ रही है। ये ऐसे लोग भी होते हैं जमाने में जो कि निगाहें हैं तुम्हारी, हमको कुछ धड़कन में रहते हो एक नहीं दो चार, लेकिन क्या करे मेरे भाई, चार नहीं पांच बार भी बोलेंगे कि नामकरण रामजीवा कोरकू का ही होना चाहिए। अब गलत मत सोचिए, हमारी बातों को गलत लेने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल और जज्बा में फिर रामजीवा कोरकू बसे हैं और बसे रहेगा, क्योंकि हम क्रांतिकारी के वंशज, हम रामजीवा कोरकू के सैनिक है। मैं तो रोक ले। ओ भाई, कंट्रोल कंट्रोल, दिल गदगद हो गया भाई। बोला ना कि सड़कों पर उतरने का मौका मत दो जनाब शिक्षित युवाओं को, अगर सड़कों पर उतरे ना तो पता है ना क्या होता है। हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। ऑनर ऑफ इंडिया, ओहो, ऑनर ऑफ इंडिया, सुन लिया, यही है ऑनर ऑफ इंडिया। लेकिन जो अभी चल रहा है 75 अमृत उत्सव, उसके तहत लोगों को समझ जाना चाहिए कि नामकरण हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बरसात का माहौल चल रहा है और यहाँ पर हर कोई जल्दबाजी में रहता है, तो गाड़ी से चलने वालों को हेलमेट और ट्रक और बस और बड़े वाहन से चलने के लिए स्पीड बहुत ही न्यूनतम और सही रूप से रहे तो बहुत ही सावधानी। यहाँ आज बैतूल जिले के केरपानी घाट पर आपको बता दें कि एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यहाँ ज़्यादा हानि का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हम जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि हमेशा बरसात में अपनी गाड़ी की गति जो धीमी रखिए और सावधानी बरतिए। तो हमारे बीच में भाई साहब बैठे हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि गाड़ी किस प्रकार से पलटी है और लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो नमस्कार भाई जान, क्या नाम है आपका? सुबान खान। सुबान खान, खान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये गाड़ी कैसी अनियंत्रित के पलटी और क्या लेके आ रहे थे और आप कहाँ से आ रहे थे? इसमें आ रही थी पशु आहार वर्ग आ रहा था, जानवर आ गया सामने, जानवर बचाने के चक्कर में गाड़ी अनबैलेंस हो गई, तो चक्कर में ये दुर्घटना हो गई। तो दोस्तों आपको बता दें, कभी कभी व्यक्ति गलत नहीं होता, कभी कभी बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए भी ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है। आपको बता दें कि भाईजान ने उनको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। तो ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी जान की नहीं दूसरों की जान की परवाह करें। और भाईजान का बहुत अच्छा आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने दूसरे की जान बचाने के लिए, बेजुबान जानवर की जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को अनियंत्रित होके पलट गए। और खामाजे कुछ हुआ भाईजान है किसी को भी? नहीं, थोड़ा बहुत मार लगी है जी, हेल्पर को और ड्राइवर को भी लगी है, ड्राइवर को भी लगी है। तो बाकी को इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी आ रही थी ये महाराष्ट्र से भर के, बैतूल की वाहन है। बैतूल की वाहन किसकी है? ये सलमान खान की। परतवाड़ा से पशुहार लेके आ रही थी गाड़ी, जो कि बैतूल की आहान खान की गाड़ी बताई जा रही है, जो अनियंत्रित के पलट। तो हमेशा दोस्तों सावधानी बरतिए और दूसरों की जान की परवाह और अपने परिवार की जान की परवाह करिए। और आपके साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ऐसी मोड़ वाली रास्ता रहती है, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को हमेशा अवगत करा देना चाहिए कि जो ऐसी जानवर जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर बाकायदा बाउंड्री या कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए, क्योंकि इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा?
प्रशासन को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और हम प्रशासन को अवगत कराएंगे कि ऐसे यहाँ से लेकर झल्लार तक ऐसी बहुत सी ऐसी जो मोड़ है जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती है और अधिकतर कारण जानवर ही बनता है। तो इस घटनाओं के लिए हमेशा हमें जंगली क्षेत्र से धीरे चलना चाहिए और हम बहुत जल्दी इसका अवगत कराएंगे कि यहाँ पर अधिकतर घटना होती है तो जानवर के लिए एक विशेष प्रकार के या बाउंड्री या तार फेंसिंग कुछ लगा दिया जाए जिसकी प्रशासन को और हमारे स्थानीय लोगों को इसकी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि अगर यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं लग रही है तो स्थानीय लोगों को प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। तो हम इसका सो गाइस हम जाते जाते मिलते हुए यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ दृश्य देखने को मिला जहाँ हम रुक गए। देख सकते हो यहाँ सभी लोग अद्भुत दृश्य देखने को देख रहे हैं। सब लोग फोटो खींच रहे, सोच रहे जाए पाएंगे कि जा पाएंगे, देखते हैं। अभी हम भी देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू दृश्य, जो भी बोलना है हमारा गांव मत ऐसे ही बोला जो भी बोला। हाँ, ये आदिवासी क्रांतिकारी बोल रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कोतल कुंड के समीप झीरी के पास ये दृश्य देखने को मिलता है। सबसे वासिंग परमा क्या सबकी पसंद निर्मा। तो गाइस हम बहुत से पहुंचेंगे, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं सरयाम जी के पास। बस अब देखते हैं इतना कि क्या हाल है यहाँ पर। हम फाइनली पहुंच चुके हैं परतवाड़ा और राउत हॉस्पिटल में हमारे दोस्त से मिलने। हम बता दें कि रामजी और कुरको अभियान कर उन्होंने चोटिल पहुंचे थे, क्या हाल है, क्या सिचुएशन, हम जानेंगे। अभी हॉस्पिटल देख सकते हो यहाँ पर, परतवाड़ा हॉस्पिटल में आ गए हैं। तो हम फाइनली जा रहे हैं सरयाम जी के पास, देखते हैं। देखिए सरयाम जी बैठे हुए हैं और अपनी हलचल बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो गिरे और कैसी चोट लगी उन्हें, कहां कहां चोट लगी। अब देख सकते हो हाथ और पैर गाड़ी के सामने, सुअर आने के कारण वह चोटिल हो गए, इस प्रकार से हमें बता रहे हैं। लगा के रखो ना, टेंशन के लिए एकदम इतना। तो नमस्कार दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि नामकरण के अध्यक्ष साहब जो कि है यहाँ पर किस हिस्से में आए हैं। उनको जैसा पता चला कि नामकरण के वरिष्ठ नागरिक हमारे सरयाम जी का एक्सीडेंट कल रात्रि शायद 6 से 5:30 के बीच हुआ है, तो हम यहाँ आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे माधव बेटे जी की, माधव बेटे जी आप यहाँ किससे मिलने हैं और कैसा क्या है, जरा वाक्य बता दीजिए। जोहार जिंदाबाद, जय रामजी बाबू कोरकू, महादेव बैठे कोरकू। साथियों, हमें जैसे सूचना मिली वीर रामजी बाबू कोरकू नामकरण अभियान के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो लगातार संघर्ष और प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान बैतूल से घर वापसी आते समय रास्ते में अचानक दुर्घटना हुई, उनको गंभीर चोटें आई जिससे उसे रावत हॉस्पिटल परतवाड़ा में भर्ती कराया गया। हमको सूचना मिलने पर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता से मिलने पहुँचे और उनसे मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्द ठीक होंगे और जो रामजी बाबू कोरकू मिशन है इसको रुकने नहीं देंगे। उनका कहना है कि मिशन रुकना नहीं चाहिए और नामकरण करा के रहेंगे, हम कामयाब होंगे और हमारा जो मिशन है सफल होगा। जोहार जिंदाबाद। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इतनी घटनाएं के बाद भी मिशन को रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भाइयों की पहचान की लड़ाई है या हमारे क्रांतिकारी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, जो कि 75वां अमृत उत्सव चल रहा है जिसके कारण हमारे क्रांतिकारी को गुमनाम से हमें बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम आदिवासी भाइयों से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द नामकरण अभियान से जुड़े और लोगों को तक ये बात पहुंचाए कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक एक्सीडेंट होने के बावजूद कहा कि हम नामकरण नाम को नहीं रोकने देंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा सबका सहयोग करें और सरकार तक ये बात पहुँचाए कि नामकरण बैजदे कॉलेज का जल्द से जल्द कराए ताकि
आदिवासी समुदाय को आश्वासन मिले और क्रांतिकारियों को नए पहचान हुए। जय राम जी भाव कौर को।